औद्योगिक क्षेत्र ब्रोटीवाला के ट्रक यूनियन के साथ में लगती झुग्गियों में अचानक लगी आग ने भयंकर तबाही मचाते हुए 18 झुग्गियों व एक बाइक को जलाकर राख कर दिया। इस घटना में लगभग 4 लाख का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं दमकल विभाग की तुरंत कार्रवाई के चलते करोड़ों की संपत्ति को जलने से बचा लिया गया। औद्योगिक क्षेत्र ब्रोटीवाला के ट्रक यूनियन के साथ में लगती झुग्गियों में आग लगने से 4 लाख का नुकसान हुआ है, जिसमें 18 झुग्गियां व एक मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई है। दमकल विभाग की तुरंत कार्रवाई के चलते करोड़ों की संपत्ति को जलने से बचा लिया गया है। जानकारी के अनुसार दोपहर बाद ब्रोटीवाला ट्रक यूनियन के साथ लगती स्थित झुग्गी झोंपड़ियों में अचानक आग लग गई। आग को भयंकर रूप लेते देख वहां मौजूद लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग पद्दी को दी। सूचना मिलते ही फायर ऑफिसर प्रकाश चंद की अगुवाई में मनसाराम, चीरी ठाकुर, भाग सिंह, यशपाल व हीराचंद घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचते ही दमकल कर्मियों ने अपना मोर्चा संभाला और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। देखा सर आप लगते हम इनमें पुकार सुन रहे थे, जैसे ही हमारे को पता लगा कि वहाँ पे झुग्गियों में आग लग चुकी है तो हम दौड़ गए। जब तक हमें आए जब पूरी आग यहाँ फैली हुई थी। तो उस टाइम आपने क्या देखा, यहाँ पे क्या हो रहा था? मतलब यहाँ पे जैसे छोटे सिलेंडर फट रहे थे और मतलब भाग दौड़ पूरी पड़ी हुई थी। किसी को चोट वगैरह या किसी को? नहीं, किसी को चोट वगैरह नहीं आई। तो यहाँ पे कोई ऐसा देखा हो, कोई बच्चे वगैरह जैसे कई बार खेलते खेलते कर देते हैं, ऐसा तो नहीं कुछ पाएगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। फायर ऑफिसर बद्दी प्रकाश चंद ने बताया कि ब्रोटीवाला में ट्रक यूनियन के साथ में लगती झुग्गियों में अज्ञात कारणों से लगी आग में 18 झुग्गियां व एक मोटरसाइकिल जलकर राख हो गया है। उन्होंने कहा कि आग लगने से 4 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई है, जबकि करोड़ों की संपत्ति जलने से बचा ली गई है। आग 4:50 में आग लगी, तो इसकी सूचना जो है दमकल केंद्र बद्दी को दी गई, तो तुरंत हम दो वाटर डोजर लेकर दो फायर ऑफिसर साथ आकर इसको कंट्रोल किया गया, काबू पाया गया। सर इसमें कितना नुकसान हुआ है अभी तक? नुकसान का तो आकलन किया जाएगा, लेकिन सर कुछ कारणों का पता चला है? अभी तक कोई पता नहीं चला, आग आ गई है। तहसीलदार बद्दी ने बताया कि जिन 18 परिवारों की झुग्गियां जली है उनका 1 हफ्ते का राशन और जब तक उनके रहने की व्यवस्था नहीं होती तब तक उनके रहने का इंतजाम ट्रक यूनियन ब्रोटीवाला में कर दिया गया है। ब्रोटीवाला में ग्राम सिंसीवाला में दिन के वक्त अचानक आग लगी है, जिसमें लगभग 18 झुग्गियां जल के राख हो गई है। इसमें मजदूर वर्ग के गरीब परिवार रहते थे, जिनके घर का सामान सारा इसमें जल गया है और इन लोगों का, गरीब लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। इनके इस दुखद घड़ी में सरकार इनके साथ खड़ी है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ट्रक ऑपरेटर यूनियन ब्रोटीवाला का, जिन्होंने इनको रहने के लिए अपना हॉल दिया है और आज के दिन खाने की भी व्यवस्था की है। सरकार की तरफ से इनको 10 दिन रहने की व्यवस्था की जा रही है और प्रति परिवार उनको राहत राशि, फौरी राहत राशि के रूप में अभी तुरंत इनको मुहैया करा दी जाएगी और 1 हफ्ते को रहने की, खाने पीने की मुफ्त व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाएगी और इनको और जगह पर व्यवस्थित करने के लिए, इनको बसाने के लिए भी सरकार पूरा प्रयास करेगी, हर तरह से सरकार इनको मदद करने के लिए। बता दें कि घटना में लगभग 4 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है, जबकि करोड़ों की संपत्ति को जलने से बचा लिया गया है। के चैनल के लिए ब्रोटीवाला से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट।